जनपद में क्षय रोगियों की खोज के लिए 7 जनवरी से चलाए जा रहे सक्रिय क्षय रोग अभियान 17 जनवरी 2019 तक चलाया जा रहा है, जिसके संदर्भ में बुधवार को जिला क्षय रोग अधिकारी कार्यालय पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. रामेश्वर मिश्र ने क्षय रोग जागरूकता अभियान को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों के चिन्हित ग्रामों में जहाँ सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान संचालित किया जा रहा है और टीबी रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील स्थान जहां है, वहां जाकर लोगों में टीबी रोग से बचाव व उसके उपचार के तरीकों को जानकारी देगा। उन्होंने आम लोगों से अपील किया है कि क्षय रोग के लक्षण पाए जाने पर नज़दीक की सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांच व इलाज के द्वारा टीबी रोग को जड़ से मिटाने में अपना सहयोग प्रदान करें। पंजीकृत टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर विराट स्वरूप, चिकित्सा अधिकारी धर्मवीर प्रताप सिंह, एन मिश्रा, जिला समन्वयक दीपेश सेन, अक्षय परियोजना दिलीप मिश्रा सहित अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र ने कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हमारे यहाँ 7 जनवरी से 17 जनवरी तक सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जन जन तक यह जागरूकता फैलाना है कि यह क्षय रोग है क्या। यह एक संक्रामक रोग है जो कि किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। यह ज़्यादातर खांसी, 2 हफ्ते से खांसी आ रहा हो, बुखार हो, भूख ना लगता हो, वजन घटता हो, सांस फूलता हो, खांसी में खून आता हो, तो हो सकता है यह जो खांसी है टीबी वाला भी खांसी हो सकता है। और यह खांसी जो है जो जनरली जो है टीबी वाली जो खांसी होती है यह जो है किसी को भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह छींकने और खांसने से ही फैलता है। इसका बैक्टीरिया जो है खांसी में बलगम में आता है और जो व्यक्ति खांसता है, जो करीब होता है उसको हो सकता है। और यह जो है यह देखा गया है कि एक व्यक्ति जो है यदि इलाज उसका जांच समय से नहीं होता है तो 10 से 15 लोगों को संपर्क में आने वालों को वह दे सकता है। वह परिवार का कोई भी मेंबर हो सकता है, जो बहुत करीबी होगा उसको होता है। यानी ये कहने का मतलब है जो उसके दिल के करीब ज़्यादा रहता है, उसका सेवा करता है, ऐसे लोगों को होने के ज़्यादा चांस है। अतः इस तरह की जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और जो है सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे एरिया में चलाया जा रहा है जहाँ से मरीज़ ज़्यादा निकलते हैं, किसी कारणवश से वह जो है सरकारी अस्पताल या अच्छे डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते हैं और उनका समय से इलाज नहीं हो पाता है, और न होने के कारण वह बहुत बुरी तरह से उससे ग्रसित हो जाते हैं। वह सोर साफ इन्फेक्शन हो रिजर्वायर हो जाते हैं जो कि कहीं भी जाएंगे तो वह फैला सकते हैं। अतः ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित करना चाहते हैं। चिन्हित करते हुए उनको सरकारी जो सुविधाएँ दी जा रही हैं उनको दिया जाएगा। प्रत्येक चिन्हित टीबी के क्षय रोग के मरीज को जो है सरकार पोषण के रूप में 500 रुपया उसको देगी। जो खिलाने वाला आदमी है, जो ट्रीटमेंट सपोर्टर है, उनको भी दिया जाएगा। जो प्राइवेट डॉक्टर जो चाहे सरकारी प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखा गया है कि मतलब उनको जो है यदि इन्फॉर्म करते हैं तो 500 रुपया इन्फार्मर के रूप में, और जब यदि कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है और सूचना देते हैं कि हमारे मरीज को जो है पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, वो क्योर हो चुका है। क्योर होने का एक पीछे उसमें होता है कि उसका जो है जांच होता है, जांच में बलगम में यदि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं और पूरे कोर्स दवा चलता है तो मान लिया जाता है उसका कोर्स कंप्लीट हो गया और क्योर हो गया, तब उसको भी 500 रुपया दिया जाता है।
यानी हमारी गवर्नमेंट हर स्तर पर जो है यह प्रयास कर रही है कि टीबी के मरीज जो भी हों चिन्हित हों निश्चय पोर्टल पर आ जाए, उनका समय से इलाज हो सके। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव एरिया में जो चिन्हित एरिया हैं वहां जा रहे हैं, टीबी से लक्षित लक्षणों से ग्रसित जो भी व्यक्ति मिल रहे हैं उनका जांच करवा रहे हैं। जांच करवाने पर यदि वो चीज़ निकलता है तो उनको सरकारी सुविधा देते हुए उनको हम कंप्लीट क्योर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि यह रोग समाज में फैल ना जाए। क्योंकि यह देखा गया है कि एक मरीज यदि जांच नहीं होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वह साल में 15 लोगों को जो है टीबी से ग्रसित कर सकता है, जो समाज के लिए बहुत भयावह है। अतः इस पर जन जागरूकता, समय से जांच करा के इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। किसी भी परिवार में एक भी व्यक्ति का जो है टीबी हुआ हो या इस लक्षण से ग्रसित हो और उसका जांच नहीं हुआ हो या इलाज हुआ हो फिर यदि हो रहा हो परिवार में हो, तो उसका जाँच कराना बहुत अति आवश्यक है।